ऑन ऊपर, ऑन समथिंग, किसी सरफेस के ऊपर। सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होता है, वहां पे हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ऑन टेबल, ऑन वॉल, ऑन मैप, ऑन डोर, ऑन फुट, ऑन बेड एटसेट्रा। टेबल पर, दीवार पर, नक्शे पर, दरवाजे पर, पैरों पर और बिस्तर पर। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। देयर इज नो नेम प्लेट ऑन द डोर, दरवाजे पर कोई भी नेम प्लेट नहीं है। लेट्स सिट ऑन द ग्रास, चलो घास पर बैठते हैं। हैंग योर कोट ऑन द हुक, अपना कोट हुक पर टांगो। पेस्ट द लेबल ऑन द पैकेज, लेबल को पैकेज पर चिटकाओ। ए पेंटिंग ऑन कैनवस, कैनवस पर पेंटिंग। लेट्स प्ले ए जोक ऑन हिम, उस पे एक जोक मारते हैं। तो यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल होता है। डेट के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त पर। ऑन 25 दिसंबर, 25 दिसंबर पर। जब कोई दिन या कोई विशेष ऑकेशन हो उस पर भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ऑन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिन पर। ऑन दिवाली, दिवाली पर। ऑन बर्थडे, बर्थडे पर। फेसबुक पर, मोबाइल पर, ट्विटर पर। वर्चुअल यानी कि यथार्थ, यहाँ पे भी यथार्थ चीजों के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ऑन टाइम, समय पर। ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर। ऑन बोर्ड, बोर्ड पर। और भी हैं जहां पे हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ऑन बस, बस पर। ऑन ट्रेन, ट्रेन पर। ऑन टीवी, टीवी पर। ऑन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर। ऑन द लेफ्ट, बाई तरफ। आई सॉ इट ऑन टेलीविजन, मैंने इसे टेलीविजन पर देखा। टॉकिंग ऑन फोन, फोन पर बात करना। द कार रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कार बिजली पर चलती है। कैश ऑन डिलीवरी, डिलीवरी पर कैश। डे एंड डेट, इसके लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। वी शैल मीट ऑन मंडे, हम मंडे को मिलेंगे या मंडे पर मिलेंगे। ही रीच ऑन द मॉर्निंग ऑफ 9 जून, 9 जून की सुबह पर वो पहुंचा। दिवाली इज ऑन द 10th ऑफ अक्टूबर, दिवाली 10 अक्टूबर पर है। ऑन टू, ऑन टू का मतलब होता है उस पर, किसी चीज पर। आई शैल पुट माई लेक्चर्स ऑन टू यूट्यूब सो दैट मोर पीपल कुड अंडरस्टैंड माई आइडियाज, मैं अपना लेक्चर्स यूट्यूब पर डालूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे आइडिया को समझ सके। ही इज ऑन टू हिज नेक्स्ट मीटिंग, ही इसका मतलब होता है कि वो अगली मीटिंग के लिए जा रहा है। ऑन टू यानी कि जाना भी होता है। द वेव्स आर क्रैशिंग ऑन टू द बीच, लहरें जो है बीच पर थपेड़े मार रही है। ही इज ट्राइंग टू फूल हर बट शी इज ऑन टू हिम, वो उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह सब जानती है, यानी कि उसको उसका नॉलेज है। नीचे की लेवल से ऊपर की लेवल के लिए हम अप करते हैं। व्हाई आर दे गोइंग अप द हिल,
वे पहाड़ में ऊपर की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्लाइंब अप दी स्टेयर्स, इन सीढ़ियों को चढ़ो ऊपर को। टू क्लाइंब अप टू द टॉप ऑफ द लैडर, सीढ़ियों से ऊपर जाना। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं कि क्लाइंब अप टू द लैडर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में तरक्की करना। सुनील हैज नॉट टर्न्ड अप टुडे, वो आज नहीं आया है, इसके लिए भी हम अप का इस्तेमाल करते हैं। शी इज ऑलवेज अप ऑन करेंट इवेंट्स, उसे हमेशा करेंट इवेंट्स का नॉलेज रहता है। तो ये यथार्थ चीजें हैं जहां पर हम अप का इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज ऑन द शिप अप फॉर ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल पड़ा है शिप से। वट आर यू अप टू, आप क्या करना चाहते हो, आपका इरादा क्या है, यहां पे हम अप का इस्तेमाल करते हैं। अपॉन, किसी चीज के ऊपर, उसके लिए हम अपॉन बोलते हैं, लेकिन उसमें एक्शन इन्वॉल्व होता है, हलचल होती है। ही थ्रू बुक्स अपॉन द टेबल, उसने किताबें टेबल पर फेंकी, यहां पे एक्शन है उसमें फेंकने का। द टाइगर जंप्ड अपॉन द जैकल, बाघ ने लोमड़ी पर छलांग लगाई, तो इसमें एक एक्शन है। द लास्ट डेट ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, यानी कि बहुत नजदीक आ गई है डेट, तो इसमें एक्शन है, इनकम टैक्स की डेट बिल्कुल पास आ गई है। शी वेंट इन टू डिप्रेशन अपॉन हर हस्बैंड्स डेथ, उसके पति की मृत्यु के बाद वो डिप्रेशन में चली गई। यहाँ पे एक्शन इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे हम अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। अपॉन सीइंग हिज फादर ही इज रैन अवे, जब उसने अपने पापा को देखा तो वो भाग गया। शी क्लाइम्ड अपॉन हिज हॉर्स एंड रोड ऑफ, वो उसके घोड़े पर चढ़ी और निकल पड़ी, तो चढ़ना जो है एक्शन है। शी डिपेंड्स अपॉन अस फॉर हर लिविंग, वो अपने रोजगार के लिए हम पर निर्भर है, तो अपॉन अस यानी कि हमारे ऊपर डिपेंड है वो। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब फॉर इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट and comment on it. Wait for every Saturday for my new videos. For more details, visit my YouTube channel Ikta Skills and improve your English knowledge. Thank you. Keep learning. Have a nice day.